नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बकबक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं जानते हैं प्रॉपरली कि कैसे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं या फिर आपकी जो पसंदीदा पिक्चर है उसे वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है। जो ये जानना चाहता है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी तरह के विंडोज़ पे काम करेगा, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो। तो ये सब पे सेम जो प्रोसीजर है फॉलो करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है, तो विंडो के अंदर कुछ बाई डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर मिलते हैं। अगर आप उसे लगाना चाहते हैं तो आपको बस अपने डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज सबसे लास्ट में दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे देखिए विंडोज़ के द्वारा दिए गए कुछ वॉलपेपर्स हैं, ये आपको 5 दिख रहे हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो देखिए पीछे का चेंज हो गया, इसे सेलेक्ट करूँ ये चेंज हो गया, इसे चेंज करूँ तो ये चेंज हो गया। जो आप चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ब्राउज कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई मैनुअल पिक्चर आपने रखा है, किसी का कैमरे से लिया हुआ फ़ोटो रखा है, तो आप उसे भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊँगा कैसे आप उसे प्रॉपरली यहाँ एडजस्ट करें। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए बैकग्राउंड में पिक्चर है, यहाँ पर सॉलिड कलर का भी ऑप्शन है। कोई सिंपल आप एक कलर फील करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर नहीं होगा। उसके अलावा आप देखेंगे स्लाइड शो भी है। स्लाइड शो में एक कुछ पिक्चर्स वन बाय वन चेंज होते रहेंगे 30 मिनट्स पे। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ पिक्चर लगा दिए, अपने फैमिली पिक्चर या कोई भी पिक्चर आपने लगा दिया, तो वो क्या होगा यहाँ पे हर 30 मिनट पे एक पिक्चर चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहें तो टाइम को अपने हिसाब से 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा, 30 मिनट, जैसा चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले कह रहा था कि ये तो हुआ है, इसके साथ मिला हुआ कुछ पिक्चर्स जो कि आप वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोई फेवरेट पिक्चर है, कोई वॉलपेपर है जो आपने डाउनलोड किया है, उसे लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ से ब्राउज करेंगे, चलिए यहाँ से भी ब्राउज करके आप लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता दूँगा। डॉक्यूमेंट पर आएंगे, मेरे पास हो सकता है कोई पिक्चर पड़ी हो। जैसे मान लीजिए पिक्चर पड़ी है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, जो भी आप चाहें। अब पिक्चर का साइज़ भी तो देखना पड़ेगा, अगर आपका पिक्चर का साइज़ स्मॉल है, छोटा सा पिक्चर है, तो फट जाएगा। जैसे मैं अब दिखाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और चूज किया, ये देखिए पीछे की तरफ लग चुका है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैंने कोई छोटा सा पिक्चर लिया होता, जैसे मान लीजिए मैंने ये लोगो ले लिया होता और इसको मैंने यहाँ पर ब्राउज करके लगाया होता, तो देखिए तो क्या हुआ, बाकी का एरिया, पिक्चर का साइज़ तो इंक्रीज हो गया लेकिन बाकी का एरिया में को उसने कवर नहीं किया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो वॉलपेपर आप डाउनलोड करें या जो पिक्चर वो लैंडस्केप में होना चाहिए, ठीक है, बड़ा पिक्चर होना चाहिए, तभी वो वॉलपेपर के लिए सूटेबल होगा। हालांकि एक तरीका तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया कैसे पिक्चर आप चेंज करें। इसके अलावा भी तरीका, वो भी समझ लीजिए। आप मान लीजिए आपने कोई पिक्चर रखा है अपने लैपटॉप या पीसी के किसी ड्राइव में, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमने तो एक तो वहाँ से ब्राउज करके लगाया था, दूसरा अगर आपके पास में कोई पिक्चर पड़ी हो तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इतने सारे पिक्चर्स पड़े हुए हैं, एक मिनट मैं कोई साइज़ का पिक्चर यहाँ पे सर्च कर लूँ तो वो सही रहेगा। हाँ ये, अब मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ पिक्चर्स वगैरह वॉलपेपर वगैरह चेंज करने का, लेकिन चलिए अगर आप चाहते हैं यहाँ हनुमान जी की पिक्चर वहाँ पे लग जाए, तो आपको करना क्या है, ये पिक्चर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करिए। राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा सेट एज का ऑप्शन आता है। आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे वहाँ सेट एज का ऑप्शन ज़रूर आएगा। राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन, बैकग्राउंड, फोटो टाइल, आपको इसे सेट एज ए बैकग्राउंड करना है। किसी भी पिक्चर को सेट एज ए बैकग्राउंड जब आप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके वॉलपेपर पे वो पिक्चर लग जाएगी। देखा दोस्तों,
इस पर दोनों तरीके से आप अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सलाह या कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसी टिप एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय दोस्तों।